Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello friends, how are you? I hope all of you are well and fine. It's me, Muhammad Kamal Khan, and you are watching Kami Microbial Just channel. Today in this video lecture, we are going to talk about semi-solid preparation, that how we will prepare it. So here I am, inviting Dr. Iftikharullah Bangash, and he will tell you that how we will prepare the semi-solid. So let's start the video. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल व्यूवर्स, आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि जब कभी भी आप लैब में एंटर होते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जो डॉक्टर साहब है उसने मुकम्मल प्रोटोकॉल फॉलो किया है। जैसे कि उसने क्या किया है, लैब में एंट्री के लिए उसने कैप मास्क पहना है, इसी तरह जो है ग्लव्स पहने हैं, ओवरऑल पहना है और शू कवर पहने, ये सब कुछ फॉलो करना आप लोगों के लिए नहायत ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को बताया कि इस वीडियो में हम सेमी-सॉलिड के बारे में बताएंगे, तो वो सब कुछ आपको इफ्तिखारुल्लाह बंगश बताएगा कि हम सेमी-सॉलिड किस तरह प्रिपेयर करते हैं। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूअर्स, होपफुली आप खैरियत से होंगे सब। तो पिछली वीडियोज में हमने बताया था कि सेमी-सॉलिड के बारे में हम बताएंगे, और LB एगर मीडिया और LB ब्रॉथ मीडियम के बारे में हम बता चुके हैं। तो व्यूअर्स, आज हम ये बताएंगे कि आपने सेमी सॉलिड मीडिया किस तरह बनाना है और ये क्यों बना रहे हैं हम। तो ये दो बातें हैं। पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब भी हम सेमी सॉलिड मीडिया बनाते हैं, तो सेमी सॉलिड मीडिया बनाने इसलिए हम बनाते हैं कि जो भी हमारा रिक्वायर्ड माइक्रोब है, उसको इसकी जब ज़रूरत होती है सेमी सॉलिड की, तो तब हम जाके सेमी सॉलिड बनाते हैं। तो असल में यहाँ पे हमारे पास सेमी सॉलिड की जो ज़रूरत है वो इसलिए है कि हम वायरोलॉजी पे काम कर रहे हैं, और वहाँ पे बैक्टीरियोफेज की प्रोसेसिंग में एक स्टेप आता है जिसको कहते हैं डबल लेयर एसे, उसमें सेमी सॉलिड की ज़रूरत पड़ती है। और कैसे पड़ती है, कहाँ पड़ती है डबल लेयर एसे के दौरान, तो वो एक लंबा छोड़ा प्रोसेस है, एक अलग टेस्ट है, उसको इंशाल्लाह हम एक अलग वीडियो में बताएंगे। तो जो भी कंसर्न लोग हैं डबल लेयर एसे के, तो वो उसको आसानी से देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट के किस तरह हम इसको बनाएंगे। चूंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद भी है, लेकिन हमने चाहा कि चले उर्दू में अपनी नेशनल लैंग्वेज में कोई वीडियो बनाए ताकि लोगों के लिए आसानी हो। अच्छा व्यूअर्स, हमारे पास मटेरियल्स में मौजूद है सोडियम क्लोराइड, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, ट्रिप्टोन, एगर। ये चारों चीज़ें आपको चाहिए जब भी आप बनाते हैं सेमी सॉलिड मीडिया। अब सेमी सॉलिड मीडिया में आपने बाकी सब कुछ उसी मिकदार में डालना है, सेम अमाउंट में डालना है जो कि आपने डाला था LB ब्रॉथ मीडिया में और LB एगर मीडिया में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो है एगर। इसको आप एक लीटर के लिए, हमने डाला था 15 ग्राम ऑफ एगर फॉर 1 लीटर ऑफ डिस्टिल वाटर। तो यहाँ पे सेमी सॉलिड में हम डालेंगे 7.5 ग्राम, ठीक है। बाकी ये जो है 5 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम और ये 7.5 ग्राम डिस्टिल वाटर हमारे पास होगा 1 लीटर, और यही फ्लास्क होगा। उसी तरह सेम प्रोसेस आप कर लें, इसमें 1 लीटर डिस्टिल वाटर ले लें और उसमें ये इंग्रेडिएंट मिक्स करें। इंग्रेडिएंट आपने यहाँ से उठाए हैं और डिजिटल बैलेंस के ज़रिए आप इसका वज़न कर चुके हैं, और वो डिजिटल बैलेंस को किस तरह आपने यूज़ करना है ये हमने पहले एक वीडियो बनाई है, आप उसको पहले देख लें अगर आपको तरीका नहीं आता है। तो इंशाल्लाहुल अज़ीज़, और अगर आपको हमारे वीडियो में किसी भी चीज़ की कमी महसूस हो रही है, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके माइंड में आता है, आप स्टूडेंट हैं जो भी है, हमें सजेशन दे रहे हैं, तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आप करें, कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपको रिस्पॉन्स देंगे। थैंक यू सो मच।